अथ मान शौर्य प्रशंसा श्लोक क्रमांक 29 ते 38 मान शौर्य प्रशंसा वर्स नंबर 29-38 श्लोक क्रमांक 29 क्षुत्क्षामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्रायोऽपि कष्टान् दशाम् आपन्नोऽपि विपन्न दीदितरपि प्राणेषु गच्छत्स्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुम्भकवलग्रासैकबद्धस्पृहः किञ्जीर्णं तृणमत्तिमानमहतामग्रेसरः केसरी वृत्त शार्दूल विक्रीडित अन्वय क्षुत्क्षामः अपि जराकृशः अपि शिथिलप्रायः अपि कष्टान्दशाम् आपन्नः अपि विपन्न दीदितिः अपि प्राणेषु नश्यस्सु अपि मत्त इभेन्द्र विभिन्न कुम्भकवल ग्रास एकबद्धस्पृहः मानमहताम् अग्रेसरः केसरी जीर्णं तृणम् अत्ति किम् भूख के मारे दुर्बल बुढ़ापे से दुखी शक्तिहीन कष्ट दशा को प्राप्त तेजहीन और प्राण नाश होने पर भी उन्मत्त गजराज के विदीर्ण मस्तक के ग्रास की सदा अभिलाषा करने वाला अभिमान के कारण जंतुओं में अग्रगण्य सिंह क्या कभी सुखी घास खाएगा। तात्पर्य आए कि उत्तम पुरुषों से नीच कार्य कदापि नहीं हो सकता। The lion, the foremost among the proud, has unparalleled eagerness for swallowing a mouthful out of the temples broken by himself of a great intoxicated elephant. Does he, although emaciated by hunger, weakened by old age, almost exhausted and come to a miserable plight with all his vigor gone and even on the verge of death, ever feed upon withered grass? Shloka Kramanka 30, verse number 30. Svalpasnayuvasavasheshamalinam nirmausamapyastikam श्वालब्ध्वा परितोषमेत नतु तत्तस्य क्षुधा शान्तये सिंभो जम्बुकमंगमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विपम् सर्वकृच्छ्रगतोऽपि वञ्चति जनः सत्त्वानुरूपं फलम् वृत्त शार्दूल विक्रीडित अन्वय स्वल्प स्नायुवसा अवसेक मलिनम् निर्मांसम अपि गोः अस्थि लब्ध्वा श्वा परितोषम इति तत् तस्य क्षुधा शान्तये न च कल्पते। सिंहः तु अंगम आगतम अपि जम्बुकम त्यक्त्वा द्विपम निहन्ति सर्वः जनः कृच्छ्रगतः अपि सत्व अनुरूपं फलं वांछति। नाम मात्र की चर्बी लगा हुआ मांस रहित और मलिन छोटे से हड्डी के टुकड़े को पाकर कुत्ता प्रसन्न हो जाता है। यद्यपि इससे उसकी भूख नहीं जाती, परंतु गोद में आए स्पार को छोड़कर सिंह हाथी को जाकर मारता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि समस्त जन चाहे कैसे भी दुख में होवे, परंतु अपने पुरुषार्थ के अनुसार फल पाने की इच्छा करते हैं। A dog rejoices over a little bone, destitute of flesh and filthy with small remains of tendons and fat on it, though it does not appease his hunger. The lion rejects a jackal, even though he may have come under his paw, and kills an elephant. Each one sets his desire on an object according to his inborn nature, although he may be in distress. Shloka Kramanka 31, verse number 31. Langula chalana madhascharanavapatam bhumau nipatya vadano dara darshananja shvapindadasya kurute gajapunga vastu
धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। वृत्त वसंत तिलका। अन्वय। श्वापिण्डस्य पुरतः लांगूलचालनम् अधः चरण अवपातम् भूमौ निपत्य वदन उदर दर्शनञ्च कुरुते। गजपुङ्गवः तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। कुत्ता टुकड़ा देने वाले के आगे पोंछ हिलाकर, पैरों पर सिर झुकाकर, पृथ्वी पर लौटकर पेट और मुंह दिखलाता है, अर्थात दीनता प्रकट करता है। और गजराज अपने आहार देने वाले की और एक बार गंभीरता से देखता और सौ सौ मीठी बातें करने पर भोजन करता है। सारांश यह है कि उत्तम जन प्रार्थना करने पर भी एकाएक किसी वस्तु को अंगीकार नहीं करते। The dog falls down at the feet of one who gives him food, wags his tail, and prostrating himself on the ground, shows his upturned mouth and belly to him. But the lordly elephant, on the other hand, calmly looks on and eats his food only when entreated with various flattering words. Shloka Kramanka 32, verse number 32. परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते सजातः येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। अन्वय। परिवर्तिनि संसारे को वा मृतः न जायते येन जातेन वंशः समुन्नतिम् याति सः जातः। वृत्त अनष्टु। इस चक्र की नाई घूमते हुए संसार में मर के कौन नहीं जन्म पाता, अर्थात सभी जन्म पाते हैं, परंतु वही पुरुष जगत में जन्मा अर्थात उसी पुरुष का जन्म सफल है जिसके जन्म से वंश की उन्नति हो। Who indeed that is once dead in this revolving world is not born again, but that man is born by whose birth his family attains to dignity. Shloka Kramanka 33, verse number 33. Kusumastavakasyeva dvayi vrittir manasvinaha murdniva sarvalokasya vishiryeta vanethava. Vritta anushtu. Anvay. मनस्विनः कुसुमस्तबकस्य इव द्वयी वृत्तिः। सर्वलोकस्य मूर्ध्निवा वने एव वा शीर्यते। श्रेष्ठ पुरुषों की वृत्ति फूल के गुच्छे की नाई दो प्रकार की होती है, या तो वे सब लोगों के मस्तक ही पर सुशोभित होते हैं अथवा वन ही में ही सूख कर नष्ट हो जाते हैं। The position of the high-minded is twofold, as in the case of a bunch of flowers, either to be on the head of the people or wither away in a forest. Shloka Kramanka 34, verse number 34. Sanjanye pibruhaspatir prabhrutayas sambhavitah panchashas तान प्रत्येष विशेष विक्रमरुचि राहुर नवैरायते। द्वावे वग्रसते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ बास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषी कृतः। वृत्त शार्दूल विक्रीडित। अन्वय। बृहस्पति प्रभृतयः अन्ये अपि पञ्चशाः संभाविताः सन्ति। परम विशेष विक्रम रुचिः एषः राहुः तान् प्रति न वैरायते। हे भ्रातः पश्य शीर्ष अवशेषी कृतः दानवपतिः भास्वरौ दिन ईश्वर निशा प्राण ईश्वरौ द्वौ एव पर्वणि ग्रसते। पराक्रम में विशेष रुचि रखने वाला राहु बृहस्पति
इत्यादि पांच छह श्रेष्ठ ग्रहों से वैर नहीं रखता। हे भाइयों, देखो कि अमावस और पुनवासी के दिन दानवपति राहु शिरमात्र रह जाने पर तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रसता है। तात्पर्य यह है कि सच्चे वीर अपने बराबर वाले का सामना करते हैं और निर्बल को कष्ट नहीं देते। There are some five or six planets besides the sun and the moon with Brihaspati at their head who are held in esteem. Rahu, desirous of figuring in special valor, does not show enmity towards any of them. The lord of the demons, Rahu, though he has nothing left him of his form but his head, devours at conjunction and opposition only the splendid ruler of the sky and the lord of the night. Mark this, O brother. Shloka Kramanka 35, verse number 35. Vati Bhuvana Shrenim Shesha Pana Padaka Stitam Kamatapatina Madhye Prishtam Sadasa Vidaryate Tamapi Kurute Kroda Dinam Payodhiranadara Ahamahatam Nissi Manash Charitra Vibhutaya Vritta Harini Anvai Shesha Pranapadaka Stitam Bhuvana Shrenim Vahati सहच कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा धार्यते पयोधि तम अपि अनादरात् क्रोड अधीनं कुरुते आह मातां चरित्र विभूतयः निस्सीमानः। भुवनों की पंक्ति को शेषनाग अपने चौड़े फण पर धारण किए हैं और कच्छप जी उन शेष जी को अपनी पीठ पर धारण किए हैं तथा उन कच्छप जी को समुद्र ने अनादर से शुक्र वराह जी के अधीन किया है। अहो, महान पुरुषों के चरित्र की विभूति सीमा रहित है। The Shesha bears the several regions of the world on the flat of his hoofs. He is constantly borne by the king of the tortoises on his back, who in his turn is again held without difficulty by the ocean on his breast. Ah, boundless is the brilliancy of the performances of the great. Shloka Kramanka 36, verse number 36. Varam Pakshacheda Samada Magavan Mukta Kulisha Prahari Rudgachad Bhavula Dhanod Gara Gurubihi Tusharadre Suno Raha Pitari Klesha Vivashe नचासौ संपात पयसि पयसाम पत्युरुचितः। वृत्त शिखरिणी अन्वय तुषार अद्रेह सूनोः उद्गच्छत् बहुल दहन उद्गार गुरुभिः स मद मघवन् मुक्त कुलिश प्रहारैः प्राणच्छेदः वरम्। आह, पितरी च क्लेश विवशे सति पयसाम पत्युः पयसि असौ संपातः न उचितः। मद में भरे इंद्र के चलाए वज्र के प्रहार से जो अत्यंत प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान था, उससे मैनाक का पंख कटकर मर जाना भला था, परंतु ओह, उनको यह उचित न था कि अपने पिता हिमाचल को क्लेश विवश पक्ष ही न छोड़ समुद्र में कूद कर अपने पंख बचावे। सारांश यह कि पराक्रमी पुरुष वह है जो स्वयं दुख में पड़कर भी दूसरों के क्लेश निवारण का प्रयत्न करता है। Better for the son of the Himalaya to have allowed his wings to be cut off by the proud Indra by strokes of his thunderbolt, which became unbearable on account of their emitting huge masses of flame. But alas, his throwing himself in the waters of the ocean and seeking refuge there was improper when his father was overwhelmed by calamity.
श्लोक क्रमांक 37 वर्स नंबर 37 यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते वृत्त आर्य अन्वय यत् अचेतनः अपि इनकान्तः सवितुः पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते अचेतन प्राणरहित होने पर भी सूर्यकांत मणि सूर्य के किरण रूपी पांव की छूने से जल उठता है तो तेजस्वी पुरुष जो सचेतन है दूसरों के अनादर को कैसे सह सकते हैं द सनस्टोन दो लाइफलेस एक्वायर्स बर्निंग हीट व्हेन टच्ड बाय द रेज ऑफ द सन How then should a spirited man bear an injury inflicted by another? Shloka Kramanka 38 Verse number 38 Simvashishurapi nipatati madamalina kapola bhitti shugajeshu prakrutiriyam satvavatam nakalu vayaste yaso hetuhu Vritta Arya Anvai शिशु अपि सिंहः मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु निपतति यम सत्ववतां प्रकृतिः वयः तेजसः हेतुः न खलु सिंह का बच्चा भी मद से मलिन कपोल वाले गज पर ही आक्रमण करता है क्योंकि तेजस्वियों का यह स्वभाव ही है तेज का हेतु कुछ अवस्था नहीं होता इति मानशौर्य प्रशंसा द लायन दो यंग अटैक्स एलिफेंट्स हुज लार्ज टेम्पल्स आर ब्लैकेंड विद रट सच इज द नेचुरल डिस्पोजिशन ऑफ द विगरस स्पिरिट डज नॉट सर्टनली डिपेंड अपॉन एज दस एंड्स द चैप्टर अथ मानशौर्य प्रशंसा श्लोक क्रमांक 29 से 38 Narrated by Sundar Hatangri, Michigan, USA. Katha Kathan Kar Sundar Hatangri, Uttar America.